तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो में। तो गाइस, ये है ब्रेकर मशीन जो 5 किलो की है। तो गाइस, इसमें आज हमें कॉइल चेंज करना है। तो कॉइल चेंज करने के लिए हमें सारा स्क्रू खोलना होता है। तो सबसे पहले हमें कार्बन खोलना होता है। तो चलिए हम फट से हम कार्बन खोल लेते हैं। अब हमारा कार्बन खोल के हो चुका है, तो हम एलंकी की मदद से सारे स्क्रू को खोलेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू खोल लेते हैं। सारे स्क्रू खोल चुके हैं, तो अब हम हेड को और कॉइल को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्मेचर निकालना होगा। आर्मेचर को भी अच्छे से साफ़ करके और गियर वेयर को भी अच्छे से साफ करके चेक करना होगा। तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं। इसमें बेरिंग भी ख़राब हो चुका है, तो अब हमें इसका बेरिंग भी निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले गियर वेयर निकाल करके हमें चेंज करना होगा। तो चलिए फटाफट से पहले सबको साफ कर लेते हैं। चलिए फट से आर्मेचर भी चेक कर लेते हैं। आर्मेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्मेचर हमें थोड़ा जला हुआ लग रहा है। तो चलिए पट्टे से चेक करते हैं कि आर्मेचर चालू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बेरिंग हेड वाला निकालना होगा आर्मेचर का, तो इसे हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो चलिए अब हमें कॉइल खोलना है। तो कॉइल खोलने के लिए सबसे पहले हमें स्विच वाले स्क्रू खोलने होंगे। तो हम लोग स्विच के पास के सारे स्क्रू खोल लेते हैं फट से, और हमें कॉइल का वायर वहाँ से अलग करना होगा, फिर हम लोग कॉइल खोल के कॉइल बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्क्रू खोल लेते हैं। कॉइल खोलने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन होल्डर से स्प्रिंग को हटाना होगा, फिर कॉइल का स्क्रू खोलना होगा, जिसकी वजह से कॉइल आसानी से बाहर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसे खोल लेते हैं। चलिए अब हमने कॉइल खोल चुके हैं, तो अब हमें लाना है नई कॉइल। तो चलिए नई कॉइल को, तो हमें कॉइल लेना होगा 810 का। तो चलिए फटाफट से 810 की कॉइल लेते हैं और फिर उसे लगाते हैं। तो ये है हमारी न्यू कॉइल। तो चलिए अब हम लोग कॉइल डालते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमें दो वायर लेना होगा, जो दो वायर हमारे स्विच की ओर निकलेंगे, और जो कॉइल के अंदर में जो स्प्रिंग वायर होते हैं वो हमें कार्बन होल्डर के ऊपर लगाना होता है। तो चलिए हम लोग दो वायर स्विच की ओर बाहर निकाल लेते हैं फटाक से। चलिए अब हमारा कॉइल बैठ चुका है, मतलब लगा करके हो चुका है कॉइल। स्क्रू भी टाइट हमने कर चुके हैं। तो हमें कार्बन होल्डर के ऊपर हमें स्प्रिंग को लगाना होगा। तो स्प्रिंग लगाने के लिए हमें
दो स्क्रू ड्राइवर की मदद लेना होगा, जिसकी मदद से हम लोग स्प्रिंग को कार्बन होल्डर के ऊपर से अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब स्प्रिंग को कार्बन होल्डर के ऊपर लगाते हैं दो पेचकस की मदद से। चलिए हमारा स्प्रिंग अच्छे से लगा करके हो चुका है। तो अब हमें करना होगा स्विच का वायरिंग कनेक्शन। स्विच की वायरिंग कनेक्शन के लिए हमें कॉइल का एक वायर लेना होगा जो हमें स्विच में लगाना होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब केबल कसते हैं पहले। चलिए अब हमारे इसमें वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है और हमने स्क्रू भी टाइट कर चुके हैं। अब हमें आर्मेचर में एक बेरिंग लगाना होगा जो 608 नंबर का है, जो बेरिंग ख़राब हो चुका है। तो चलिए फटाफट से बेरिंग लेते हैं और फिर आर्मेचर में लगाते हैं। चलिए अब हमारा बेयरिंग भी लगा करके हो चुका है। तो आप लोग आर्मेचर को अब हेड में फिट करते हैं और सारे पार्ट्स अच्छे से लगा करके फटाफट से हम लोग फिट करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे कि मशीन कैसे चल रही है। तो चलिए फटाफट से सारे पार्ट्स लगाते हैं।
स्क्रू कस के हो चुका है, तो हमें अब 810 के कार्बन भी हमें नए लगाने होंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग कार्बन भी इसमें 810 के नए वाले लगाते हैं और फिर हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।